उसने हमारे साथ प्रैंक किया है, अब उसकी बारी है। कदे वो आते हुए चिल्लाने लग जाए, भगवान पता नहीं कैसा रिएक्शन होएगा रोहित का। ये प्रैंक सक्सेसफुल। लोगों के दिल की तमन्ना थी कि रोहित के साथ प्रैंक हो, आज हो गया। वेलकम टू माई ब्लॉग, और आपका स्वागत है कनिका राणा ब्लॉग्स चैनल पे। और आज थर्सडे है तो सोचा आज येलो कलर पहनते हैं, क्योंकि थर्सडे के दिन येलो कलर पहनना होता है। बाकी कलर्स किस दिन क्या पहनना होता है मुझे नहीं पता, अगर किसी को पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बता देना है। तो चलो मैं आज का लुक दिखाती हूँ आपको अपना। ये देखो गाइस, ये पास से देखो, ये दूर से देखो। अगर आपको ये सूट पसंद आ रहा है तो आप भी ये मंगवा सकते हो इशिता फैशन हब से। इनका यूट्यूब चैनल भी है, इनका इंस्टाग्राम भी है, दोनों मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं। और अगर ये आपको सूट चाहिए, ऐसे ही और प्यारे प्यारे सूट चाहिए, तो जो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर भी आप जाके ऑर्डर दे सकते हो। तो गाइज, मैं अपना व्लॉग इंजॉय कर रही हूँ, और साथ में जो कपड़े धुए थे उनको ऐसे सेट करके रख रही हूँ। आज मेरे पेट में दर्द हो रखा बहुत तेज, तो मेरा व्लॉग बनाने का भी दिल नहीं था फिर, लेकिन इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबकी मेरे ऊपर, सब वेट करते हैं, तो मैं नहीं चाहती कोई अपसेट हो, इसलिए टूटा फूटा जैसा भी है मैं बना लेती हूँ, मैंने यही सोचा था। और बाकी रेस्ट कर रही हूँ अभी, हालत टाइट है, लेकिन चुपक 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 पूरे दिन तय है। गाइज ये देखो, आपने मम्मी के हाथ में देखी होगी, मम्मी ये बना रही थी मेरे लिए। आज ये पूरी हो चुकी है, हाफ बाजू की जैकेट। चलो इसको पहन के दिखाते हैं। ये देखो गाइज कैसी लग रही है। चलो ठंड खत्म होते होते बन गई है, वरना मैंने नहीं सोची थी कि अगले ज्यादा मैं पहनूंगी, पर सही है, बिल्कुल सही फिटिंग है। थैंक यू मम्मी जी, अगर आप ब्लॉग देख रहे हो तो। वैसे तो मम्मी साइड वाले कमरे में है। गाइस एक बहुत छोटा सा फैन है मेरा, वो आज मिलने आ रहा है मुझसे, तो मिलवाते हैं आज उसको आपसे। बहुत क्यूट है, और मतलब बहुत अच्छा लगता है कि लोग इतना प्यार कर रहे हैं, हर एज ग्रुप से इतना प्यार मिल रहा है, तो मतलब थैंक यू ऑल। ये आप सब के लिए थैंक यू सो मच, इतना प्यार ऐसे ही बनाए रखो। कैसे हो? अच्छा हूँ। वेरी नाइस। कौन सी क्लास में हो? टेंथ। अच्छा, आजकल क्लास के नाम चेंज हो गए, हमारे टाइम पे तो यूकेजी एलकेजी थे। हेलो, आ जाओ। गुड आफ्टरनून। काम चल रहा था ना आज, इसलिए आ जाओ यहाँ पे, मैं पानी लाती हूँ। भाई इनका तो नाम ही विजेता है, वाह क्या बात है। कितना टाइम लगा यहाँ आने में? 10 मिनट। चलो अच्छा है। भाई आज आप मिलो चीकू से, ये वो वाला चीकू दी, दूसरे वाला चीकू है, और इन्होंने आज चॉकलेट डे पे मेरे को चॉकलेट दी है। थैंक यू सो मच, आपको भी पक्का मैं कुछ इन रिटर्न दूंगी, गारंटीड, ठीक है। अच्छा वो मम्मी वाली बात बताओ, कैसे करती हूँ? सोते सोते भी हंसती रहती है। क्यों हंसती है? रीजन क्या उसका? क्योंकि कनिका दीदी की फेस पे स्माइल रहती है ना, तो उनको देख के आदत हो गई उनको हंसने की, वो हंसती रहती है, हंसती रहती है। ये कितने स्वीट बच्चा है। देखो भाई हमारे छोटे मेहमान सो हो गए, कराटे ले रहे हैं, और अभी व्लॉग में देखेगा मेरे साथ क्या कर दिया। चीकू हैप्पी चॉकलेट डे, हो गई नींद पूरी? चलो बढ़िया है। क्या? थैंक यू, यू आर वेलकम। मम्मी ने वही चीकू को पेंसिल गिफ्ट करी है, नू बोलने छोलता रही है ना। बाय, फिर मिलेंगे जल्दी।
गाइज अभी अभी रोहित ने मेरे ऊपर प्रैंक किया है कि मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, वो भी बिना बताए। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है, बेइज्जती सी फील हो रही है, अब मुझे कोई प्रैंक करना चाहिए राइट। और मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया है, तो देखते हैं वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, पर उसमें मम्मी की हेल्प चाहिए मुझे। चलो पहले मम्मी को कन्विंस करते हैं, उसके बाद रोहित के साथ प्रैंक करते हैं। तो गाइज मैंने मम्मी को बता दिया है अपना प्लान, अब आप सीधा सुनोगे। करो ना करो, उसने हमारे साथ प्रैंक किया है, अब उसकी बारी है। अरे अच्छा ना लगता। अरे करो ना मम्मी करो करो। अरे फिर दूसरे आदमी अकेला है, गुस्सा होगा, कुछ ना हो आने वाला है वो भी। क्या देना है कति छो मैं या हेलो हेलो मम्मी कित या है मैं केम गुजर लिया रास्ते में आ लिया बस। अच्छा न्यू का मना अपना भाई बुला रहा है, वहां के होया कैसे बुला लिया? न्यू का मना अपना भाई बुला रहा है मनीष, वहां के हो गया न्यू का ना काट दिया मेरे पास आ गया क्या फोन कैसे काट दिया इसका मतलब क्या समझे हम? गाइस रोहित ने फोन काट दिया है, अब इसका मतलब क्या समझे हम पता नहीं या तो ही इज विद हिज फ्रेंड्स, तो वो मे बी वो टॉपिक अवॉइड कर रहा है। मुझे तो रोहित का रिएक्शन ही समझ नहीं आया गाइस, या तो उसको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि मजाक कर रही है, या उसको ये लगा होगा कि फ्रेंड्स के सामने ये कैसा टॉपिक है। अब ये तो भाई रोहित ही क्लियर कर सकता है, क्योंकि उसके बाद अभी तक रोहित का कोई कॉल मैसेज नहीं आया, ना मुझे ना मम्मी को। तो गाइज रोहित का कॉल तो नहीं आया, बट अभी एक मैसेज आया और चैट मैंने साइड में पेस्ट कर रखी है, अभी सिर्फ इतनी बात हुई है और तो पता नहीं है, वो आएगा तभी पता चलेगा। तब तक मैं सिवई खा रही हूँ, आज रोटी नहीं खा रही क्योंकि मेरे पेट में दर्द है बहुत तेज, शायद आधी इरिटेटेड मैं वैसे ही हो रखी हूँ। गाइज अभी मैंने मम्मी को बोला है, दिखी मम्मी दिखी हाँ कपड़े भी कैसे हो गए, नाइट सूट पहन लिया तो अभी हमने प्लानिंग करी है। मैं मम्मी को ये कह रही थी कि आप जब रोहित की आवाज़ आई जाएगी आएगा तो आप ये बोल देना उसको कि वात गई, अब फिर उसका रिएक्शन देखते हैं। मैं यहाँ साइड में छुप जाऊँगी, दिखू को नहीं, फिर मैं फ़ोन रिकॉर्ड में उसकी आवाज़ तो आई जाएगी कदे वो आते हुए चिल्लाने लग जाए, भगवान पता नहीं कैसा रिएक्शन होएगा रोहित का मम्मी नू देखती होगी है कि ये दोनों बच्चे कैसे हैं मम्मी आपने लग गया है कि रोहित ने पता लग रहा है कि मजाक कर रहा है, तो पता भाई रिएक्शन देखना पड़ेगा। तो पर उसका मैसेज आया है फोन पे कि सच में मनीष आ रहा है तो हल्का हल्का यूं भी है कि आ भी सकता है, क्योंकि गुस्से में थी कनिका, कुछ भी हो सकता है। पाऊंगी ना जब तो उसको सच में हो जाएगा, मम्मी तो थोड़ी सी मौसी बैठी है। हाँ अरे आप में हंसी आती भी ना ऐसे मोमेंट पे तो बेस्ट हो जाएगा, सोने पे सुहागा तो गाइज हम दोबारा ट्राई कर रहे हैं रोहित को कॉल करने की।
अरे वो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया एक का। किसका? कोई बाइक वाला था, उन हॉस्पिटल पहुंचा आ गए। ओए तो ये तो ना आ गए, तेरे को तो ये हां तो ये वो रास्ते में हो गया ही वे। तेरे तेरे तो तना हुआ है। हां बात तो क्यों होगा, मन तो उसका ब्लॉग भी बनाया था पूरा। ये चीज का ब्लॉग नहीं बनाया गया, रहने दे के रखा नहीं तो फंस के बैठ जाएगा। किधर पर है मरीज? उधर वो उधर करो की था आधे रास्ते पहुंचेंगे। मैं समझ रही थी चलाओ थी तुम्हें कह रहा ना कि चला करो। अरे पहुंच ना होगी आधे बड़े रह गई थे मैं ले आऊंगा। तो भाई ने कहीं करेंगे मेरी बात सुन देख, मैं रास्ते में एक्सीडेंट होया देख, यो पूरा खून का भीड़ रहा है। अरे वहाँ पे ना उसका मतलब वो गरीब आदमी था बहुत ज्यादा, तो उसको एम्बुलेंस बुला के हॉस्पिटल वगैरह। अरे काट दे यार मन ने पूरा भरोसा इस पे, तू जास क्या है मेरा इस बात का। आज कितना गुस्से में थी, मेरी तबीयत पूछ, मम्मी तो पूछा एक बार मेरी तबीयत कैसी है। जब मम्मी ने नू गई ना आधे रास्ते जाली होंगे, जब मेरे नू होया हाँ पक्का। हाँ मम्मी ने यकीन दिला दिया, मैं भी लोटी लोटी, मेरे पेट में भी दर्द दर्द, मैं लोटी लोटी मोका मम्मी को ती मस्त है, थोड़ा सा भी यू नहीं होने देती अख मम्मी अख प्रैंक चल रहा है। लोगों के दिल की तमन्ना थी कि रोहित के साथ प्रैंक हो, आज हो गया। ये ऊपर था उस टाइम पे नहीं आके था, मैंने ऑन कर। अरे हम पहले फोन करे थे या नॉन स्टॉप वीडियो चल रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो गाइस जो आप सबकी दिल की तमन्ना थी ना कि मैं रोहित के ऊपर प्रैंक करूं, वो आज आपका हो गया है। मतलब आपकी दिल की तमन्ना मैंने पूरी कर दी है और प्रैंक सक्सेसफुल भी हो गया है, तो इससे बेस्ट तो कुछ भी नहीं है। मुझे बहुत हंसी आ रही है, रोहित अगर मैं सच में ऐसे कर देती तो आपने सुनी लिया अपने कानों के कानों से। मैं बात करते हुए नहीं करते बात। ओह गुस्सा देखा, हंसी देखी है रोहित की, कॉमेडी देखी है, गुस्सा आज देख लिया। हाय मेरे को लगा था कि आप समझ गए, तभी कॉल मैसेज कुछ नहीं कर रहे, वो गुस्से में ना करो थे और क्यों ना करो थे, दोस्तों के साथ थे इसलिए, या वो एक्सीडेंट की वजह था। मेरे उस टाइम में हुआ था तू नहीं गई है। अच्छा पर जब मम्मी आगे नू गई ना आगे बहुत जाली रास्ते में पहुंचे होंगे, फिर मेरे नू गई मगा अरक में तेरी आवाज भी ना आवा थी। हाँ तो मैं तो माले भाई इन्हें चाले पाड़ दिए। अरे यार क्या नहीं देखो गाइस आज चॉकलेट डे पे मुझे दो दो चॉकलेट्स मिली, एक मेरे लिटिल फैन ने दी और एक रोहित ने दी, तो दो दो चॉकलेट्स हो गई आज तो मेरी चांदी होगी। तो गाइज व्लॉग को एंड करने का टाइम आ चुका है और आज इसी उस पर एक कमेंट चूज़ किया है मैंने रवि सांगा जी का। आई नो हमारे लिए भी बहुत ऐसा होता है कि अब नेक्स्ट डे आएगा, हम कुछ नेक्स्ट और अच्छा सा कुछ लेके आएंगे, हम डेली मन में ये सोचते हैं कि हम ऐसा एक भी दिन ना हो कि आपको डिसअपॉइंट कर दें कि भाई आप सोचते हो कि आज तो अच्छा व्लॉग आएगा और हम कुछ ऐसे बोरिंग सा दे दें। तो हम अपनी साइड से मैं और रोहित पूरी कोशिश करते हैं कि आप सबको एंटरटेन करें, हम 100% अपनी जान लगा रखी हमने अच्छे से अच्छे व्लॉग बनाने के लिए और आप लोगों ने भी जान लगा रखी
है बिल्कुल हमें सपोर्ट करने के लिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, बहुत अच्छा लगता है देख के। और कमेंट में बताना कि प्रैंक कैसा लगा और ऐसे प्रैंक और आए या ना आए। तो गाइज ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। बस रोहित को नहीं पसंद आया होगा आज, बाकी सबको पसंद आया होगा। तो ठीक है गाइज, बाय, गुड नाइट।